निपाणी येथे नेहरू चौकामध्ये काँग्रेस उमेदवार काकासाहेब पाटील यांच्या प्रचारार्थ सभा पार पडली. यावेळी खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 5 वर्षात कर्नाटकची संपूर्ण जगामध्ये एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. सर्वच क्षेत्रात भरीव कामगिरी करीत 1.5 लाख कोटींची गुंतवणूक या राज्यात झाली आहे. शिक्षण, स्वास्थ्य, कारखानदारी, वाहतूक आदी सर्वच क्षेत्रात सुधार होऊन विकसित कर्नाटकची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे विरोधकांकडे बोलण्यासाठी मुद्देच नाहीत. येत्या 12 मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसचे सरकार स्थापन करावे. माझ्याजवळ ऊस नाही, कमळाचे फूल नाही, केवळ हात आहे. हातावर विश्वास असेल तर दोस्तीचा हात द्या. मी एक मराठा माणूस म्हणून सांगतो, हा हात कधीही विश्वासघात करणार नाही. त्यामुळे काकासाहेब पाटील यांना प्रचंड मतधिक्याने विजयी करा आणि विधानसभेत पाठवा, असेही त्यांनी यावेळी आवाहन केले. ये आपको समझना कि ये चुनाव निपाली और आसपास का क्षेत्र का चुनाव है. ये मत समझना कि ये उत्तर कर्नाटक का चुनाव है. ये आपको समझना कि ये समूचे कर्नाटक राज्य का चुनाव है. ये वो चुनाव है जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा भी बदलने वाला है. उत्तर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम और त्रिपुरा से गुजरात तक, पूरी देश के 125 करोड़ जनता आपके तरफ देख रही है कि भारत में जब बदलाव की शुरुआत होती है वो शुरुआत अगर होनी चाहिए ये हाथ के पंजे वाले झंडे के साथ. जो दृश्य हमारे सामने है जहां कर्नाटक ने अपना मानचित्र पूरे देश में नहीं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि पूरे विश्व में कर्नाटक ने अपने मानचित्र को बनाया है. एक सर्वांगीय विकास का सपना, एक सर्वांगीय विकास की सोच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी की सोच होती. दलित, पिछड़े, आदिवासी सगळ्यांना एकत्र घेऊन कर्नाटकचा झंडा राष्ट्रपतल मध्ये टाकायचा त्यांची सोच विचारधारा होती. आणि आता पहा कर्नाटकला 5 वर्ष मध्ये घरेलू उत्पादनचे दर मध्ये काय वृद्धी आला. आमच्या शेतकऱ्यांची स्थिती, ऋणमाफीची योजना, 8200 करोडची ऋणमाफीची योजना, 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ, एक एक सोच विचारधारा. किसानों को 3 लाख रुपये का 0% 0% पर ऋण लेना. ऑनलाइन आपका व्यापार, ऑनलाइन आपका उत्पादन का बिक्री, ऑनलाइन इनपुट सब्सिडी 22 लाख, आधार कार्ड के आधार पर एक एक किसान के खाते में पहुंच पाया. कृषि के क्षेत्र में बिकी हुई स्कूल लगाए गए हैं. बेलगांव क्षेत्र में अकेले 22 नए स्कूल और 920 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है. शिक्षा के क्षेत्र में जागृति हुई, 3 करोड़ साइकिल दिए गए हैं, 3 लाख साइकिल दिए गए हैं, 2.5 करोड़ किताब दिए गए हैं. हम चाहते हैं कि उन्नत भारत हो तो एक शिक्षित भारत के आधार पर उन्नत हो पाए. और वही एक वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लगे हैं. बेलगांव क्षेत्र में 11 नए उप स्वास्थ्य केंद्र लगे हैं. 12 महीनों में अगर कहीं आया है तो वो केवल कर्नाटक राज्य में लेके आए. सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी के क्षेत्र में विश्व की राजधानी आज कर्नाटक बन चुकी है. 3500 नए संयंत्र लगे हैं और 2020 तक 22000 अतिरिक्त संयंत्र लगाकर सिद्धरमैया जी आएंगे. जिस न्यू इंडिया में मेरे अन्नदाता को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह ऐसा न्यू इंडिया जहां मेरा बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, यह ऐसा नया न्यू इंडिया
जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार का नया एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। यह एक ऐसा नया इंडिया जिस न्यू इंडिया में पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है। यह एक ऐसा नया न्यू इंडिया जहां मेरे नौजवान इनके जुमलों में जकड़ते हुए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करती है। प्रधानमंत्री तो कहते थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मंच में साथ में बैठे हैं ये येडियुरप्पा जी। उनका तो एक ही फॉर्मूला है, दो रेड्डी और एक एड्डी। यावेळी उमेदवार काकासाहेब पाटील यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात मतदार संघाचा आढावा घेतला। यावेळी महाराष्ट्राचे माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार प्राचार्य सुभाष जोशी, केपीसीसी उपाध्यक्ष वीरकुमार पाटील, नगराध्यक्ष विलास गाडीवडर, उपनगराध्यक्ष सुनील पाटील, सभापती नितीन साळुंके, उत्तम पाटील, पंकज पाटील, जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वड्डर, चिक्कोडी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, राजेश कदम, प्रदीप जाधव, रोहन साळवे, मोहन बुडके, टाउन प्लॅनिंग कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब देसाई सरकार, रवींद्र शिंदे, रवींद्र कदम, अविनाश माने, मल्लिकार्जुन गडकरी, राजकुमार सावंत, चंद्रकांत जासूद, बाळासाहेब जासूद, डॉक्टर विनय निर्मळे यांच्यासह काँग्रेसचे आजी माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते। दरम्यान काँग्रेसचे युवा नेते व खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या निपाणी येथे झालेल्या रोड शोला मोठा प्रतिसाद मिळाला। खुल्या जीपमधून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा रोड शो सुरू झाला। शहरातील प्रमुख मार्गावरून झालेल्या रोड शो दरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। सिंधिया यांनी नागरिकांना अभिवादन केले। यावेळी त्यांच्या समवेत काँग्रेसचे उमेदवार काकासाहेब पाटील, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार प्राचार्य सुभाष जोशी, वीरकुमार पाटील, लक्ष्मणराव चिंगळे, उत्तम पाटील सहभागी झाले होते। तसेच खासदार सिंधिया यांच्या स्वागत निमित्त मतदारसंघातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहरातून मोटारसायकल रॅली काढली। यामध्ये हजारो मोटारसायकल सहभागी झाल्या होत्या। पक्षाचे झेंडे, बॅनर, स्कार्फ, टोपी परिधान केलेल्या हजारो कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी होऊन काकासाहेब पाटील यांच्या विजयाचा घोषणा देत होते। यावेळी महिलांची उपस्थिती ही मोठ्या संख्येने होती। यावेळी माजी नगराध्यक्ष शुभांगी जोशी, सुप्रिया पाटील, उमा पाटील, मंगल घोरपडे यांच्यासह हजारो कार्यकर्त्यांनी या रोड शो मध्ये भाग घेतला होता।